ऑफ इंडिया है, कोई शूटिंग के लिए बाहर है, उदय सबनीश जी आने वाले हैं, अरुण नारोडे जी आने वाले हैं और हमारे डायरेक्टर विजु माने जी, वो भी थोड़ा लेट हो गया तो भी यहाँ आने वाले हैं। इसके साथ हमारी फिल्म की जो हीरोइन है या लीड रोल करने वाली है, आप उसको मैं स्टेज पे बुला रही हूँ, डॉक्टर ऋचा पटेल। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही हमारा जो 19 अप्रैल को एक रैली हम लोग निकालने वाले हैं, मेकिंग ऑफ स्वयं सिखा डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, तो इसके लिए मेरी फ्रेंड आई है यहाँ पे मिस्टर गीता देवालकर। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद वो रैली की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम दोनों खुद बैठेंगे और वो भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। डॉक्टर फिल्म के बारे में मैं थोड़ा कुछ आपको शूटिंग के टाइम पे हम लोग इतना मजा किया है, वी डिडंट फील दैट वी वर शूटिंग।
हम लोग हंसी मजाक में ये पिक्चर कंप्लीट किए हैं, हंसते रहते थे। कितनी बार तो ऐसा हो गया कि हम गिर पड़ते थे, वहां बिजू माने जी डायरेक्टर एक्शन एक्शन बोलते थे और हम जमीन पे होते और पूरा ग्रुप करके बैठते थे एक साथ। रीमा जी विक्टर जी इतना मस्ती कर रहे हैं कि बिजू माने को बोलना पड़ता था भाई थोड़ा तो कॉन्सेंट्रेट कर लो यार। बट इट वॉज गुड फन शूटिंग और बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि आप लोग ये पिक्चर देखें तो आप लोग को भी उतना ही अच्छा लगे जितना आपको। मराठी गोचिनी नाम की फिल्म मैं कर चुका था और वो मराठी फिल्म थी और जैसे मेघा ने मुझे कहा कि हिंदी फिल्म करनी है तो आई जंप्ड ऑन दैट बिकॉज सब्जेक्ट बहुत अलग था, एक सोशल इशू है, सोशल कॉज है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो मैंने कहा वो सिंगर्स कैलाश खेर जी है, शान, साधना सरगम, निहिरा जोशी, अच्छे अच्छे सिंगर्स उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे सिंगर्स दो। और बहुत मज़ा आया शान के साथ, शान अभी आ ही रहे हैं शायद कुछ मिनटों में वो आ जाएंगे यहाँ पे। कैलाश जी के साथ बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था। वैसे हिंदी में कंपोज करने के लिए इतना मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं मेरा राजेश म्यूजिक के साथ जो एल्बम था ये है प्रेम, इसमें गाना चुनबी सुन लगती है, वो पूरा पहले हिंदी में कंपोज कर चुका था और उसके बाद मेरा गारवा और ये सब मराठी और बाद में आया, तो इतनी मुझे हिंदी में कंपोज करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। और ऑफकोर्स मेघा का और सभी का कोऑपरेशन था, सौमित्र जिसकी मेरी लास्ट कम से कम 25-30 साल से ट्यूनिंग है, बिल्कुल मेरे घर के जैसा है वो, तो उसके साथ भी काम करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं और बहुत अच्छे गाने उसने लिखे हैं। हालांकि उसकी भी ये पहली फिल्म है और मेरी भी ये पहली हिंदी फिल्म है, मैंने अब तक हिंदी फिल्म नहीं की है, तो ये मेरी पहली फिल्म रिलीज होगी और उसके लिए मैं मेघा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो आप और बाद में अगर आपको कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी समथिंग। थैंक्स। कभी बीजू माने ने हमें ये बताया कि गोजरी ने उषा ने एक अच्छा रोल किया है, भले छोटा गेस्ट रोल था लेकिन वो जो एक इनोसेंस है उसमें है, तो आप उसके लिए मैं ये फिल्म प्रेरित करूंगा, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। और अनाथ बच्चों को प्रेम चाहिए, दया नहीं चाहिए, उनको सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ मदद नहीं चाहिए, तो उनको अपना घर चाहिए, उनको भी अपने माता पिता जैसा प्यार देने वाले कोई चाहिए। तो जब भी रुचा भी खुद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भी अनाथ आश्रम जाना है, वो बच्चों के साथ खेलना है, तो मुझे पता चलेगा कि उनका दर्द क्या है। तो ये सब करने के बाद जो खुशी मिलती है, अभी बहुत जन मुझे आके बताते हैं कि हमारे बच्चे का बर्थडे हम घर में भी मनाते हैं और अनाथ आश्रम भी जाते हैं और बच्चों के साथ भी मनाते हैं। तो जब भी हम उन्हें भी अपना बच्चा समझने लगते हैं तो सचमुच एक नया दौर शुरू होता है रिश्तों का। और ये बच्चे बहुत अनाथ आश्रम ऐसे है जैसे वात्सल्य ट्रस्ट है, बालाशाह ट्रस्ट है, जहाँ हम लोग खुद गए, उनको मिले थे, तो उन्होंने हमें कहा कि एक लड़के का साल भर का जो खर्चा है वो भी उठाने के लिए कोई पेरेंट अगर आगे आता है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी मदद होती है। उसका एक साल का खर्चा उसमें पूरा हो जाता है, उसकी जिंदगी बन जाती है। वहाँ पे जो अनाथ लड़कियां है उनके लिए नर्सिंग का कोर्स है, तो 17,000-18,000 रुपए एक साल की फी होती है, तो वो देने के लिए अगर कोई आगे आता है तो उनको बहुत मदद होगी। तो ये विचार लोगों तक पहुंचाना है कि अनाथ बच्चों को मिलिए, सिर्फ मदद मत कीजिए, उनको मिलिए, उनके साथ अपना दुख दर्द काटिए और अपनी खुशी में उनको शामिल कर लीजिए। जब भी रुचा को मैंने बताया आपको, रुचा 12th 13th 20th पूरी पढ़ाई ये सब करना है, कैसे मुमकिन होगा ये सब एक साथ करना।